loves, my name is Mayuri Pandey and welcome to my new video. लड़कियाँ ऐसा क्यों करती हैं कि जब उनको प्रपोज किया तब उन्होंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया और अब जब आपने उनका डिसीजन एक्सेप्ट कर लिया तब वो इंटरेस्ट शो कर रही हैं. क्या वाकई में इंटरेस्टेड हैं? लेट्स सी, कन्फ्यूजन को क्लियर करते हैं. एंड इफ यू वुड लाइक टू बी पार्ट ऑफ माई वाईटी फैम, यू कैन फॉलो दीज स्टेप्स. क्लिक हेयर टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन, देन यू विल नेवर मिस माई न्यू अपडेट. नंबर वन, गिल्ट. मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है कि जिसका प्रपोजल रिजेक्ट किया वो कोई स्ट्रेंजर तो था नहीं, तो किसी तरह से एक बॉन्डिंग है उस इंसान के साथ. तो हमें ऐसा लगता है कि हमने उसे बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया या उसका दिल तोड़ दिया, तो नेचुरली एक एक्स्ट्रा नाइस बिहेवियर हो जाता है उस इंसान की तरफ जिसका प्रपोजल हमने रिजेक्ट किया होता है. और इसमें हमारी कोई अच्छाई नहीं है, ये ह्यूमन नेचर है, सबको फील होता है. तो अपने आप को ये गिल्ट फ्री करने के लिए गर्ल्स ऐसा करती हैं एंड बॉयज़ को लगता है कि वो इंटरेस्ट शो कर रही है. तो अब आप दोबारा से उनको प्रपोज करते हो इस उम्मीद में कि इस बार वो हाँ कह देगी, लेकिन नहीं, इस बार भी प्रपोजल रिजेक्ट ही हुआ. तो अब आपको लगता है कि बंदी आपको कन्फ्यूज़ कर रही है, पर नहीं, वो बस नेगेटिविटी, एंगर, हेट और गिल्ट, इन इमोशंस को खुद से दूर रख रही है आपके साथ अच्छा बर्ताव करके. सो इट्स नथिंग टू डू विथ यू मैन. नंबर टू, हार्ड टू गेट गेम. इफ़ शी इज़ एक्चुअली शोइंग इंटरेस्ट, मतलब होता है ना कि कुछ लोग का बहुत ऑब्वियस बिहेवियर होता है हमारी तरफ कि वो सच में इंटरेस्टेड है मेरी तरफ. तो अगर ऐसा वाला सीन है तो आप समझ जाओ कि वो एक अलग ही जोन में जा चुकी है. इतनी आसानी से तुम्हारे हाथ नहीं आऊँगी जोन. इफ़ दिस इज़ द केस तो यू शुड क्विट दिस गेम, क्योंकि लव इज़ नॉट अ गेम. उनके माइंड में ये चीज़ें चल रही हैं मे बी बिकॉज वो लीड करना चाह रही हैं रिलेशनशिप को, लेकिन रिलेशनशिप है कहाँ? मतलब जो इंसान रिलेशनशिप में आने के पहले इतना दिमाग लगा रहा है तो वो रिलेशनशिप में रहकर कितना दिमाग यूज़ करेंगे? तो ये तो वही बात हो गई, वो दया बहन कहती है ना, काटो ना काटो ना काटो ना, अरे पहले उड़ाने तो दे, तो पहले रिलेशनशिप में आने तो दे, फिर मतलब पहले ही प्लानिंग चालू है. नंबर थ्री, डोंट डिसअपीयर. बहुत लोग कहते हैं कि अगर उसने तुम्हारा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया है तो अब इंटरेस्ट शो कर रही है, तो तुम 40 दिन के लिए गायब हो जाओ, उसका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, वो तुम्हें मिस करेगी. बट आई एम सेइंग डोंट डिसअपीयर प्लीज़. इफ़ शी इज़ नॉट दैट इन टू यू तो वो नहीं मिस करेगी आपको. ज़्यादा से ज़्यादा आपसे मिलने वाले अटेंशन को मिस करेगी, आपको नहीं. और अटेंशन का क्या है, आजकल की ऑनलाइन दुनिया में इतने सारे डेटिंग ऐप्स हैं कि उसको अटेंशन देने वाले, उसकी तारीफ़ करने वाले बहुत से बंदे बैठे हैं. हाँ सच है ये, तो गायब होने से कुछ नहीं होगा यहाँ पे. वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको कुछ दिनों में भूल जाएगी या उसका ध्यान दूसरी चीज़ों पर चला जाएगा, तो गायब मत होना प्लीज़. नंबर फोर, यू आर नो मोर इंटरेस्टेड इन हर. सी, अब आपका प्रपोजल रिजेक्ट करने के बाद उसके मन की मोमबत्ती जली, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, तो आप क्यों सफ़र करोगे, है ना? तो अब अगर वो इंटरेस्ट शो कर रही है तो अब तुम्हें ये जताना है कि तुमको उसमें अब कोई इंटरेस्ट नहीं है. ऐसा इसलिए करना है क्योंकि लड़कियों के पास ऑप्शंस बहुत होते हैं, तो उसके दिमाग में है कुछ लोग ऐसे जो उसे पाना चाहते हैं, लेकिन वो उनको नहीं मिलेगी क्योंकि वो उसे पाना चाहते हैं. ये तो उसी को मिलेगी ना जिसको ये पाना चाहेगी, एंड इट कैन बी यू ऑल्सो. सी, इफ कोई मुझ में इंटरेस्टेड था एक टाइम पे, पर उस वक्त मुझे उसके में इंटरेस्ट नहीं था, पर अब मैं हूँ, पर अब वो नहीं है, तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ेगा. बिकॉज डूड, यू प्रपोज मी वंस एंड आई रिजेक्टेड योर प्रपोजल, तो अब मैं तुमको पसंद कर रही हूँ तो तुमको क्या दिक्कत है भाई? मतलब दिस विल ब्लो हर माइंड. अ पर्सन हु लव्ड हर वंस, अब वो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, तो अब वो तुम्हारा अटेंशन, तुम्हारा इंटरेस्ट गेन करना चाहेगी क्योंकि अब वो तुम्हें पसंद कर रही है. तो वो चाहेगी कि तुम भी उसमें इंटरेस्ट दिखाओ, जो कि तुम दिखाओगे, लेकिन अभी नहीं, थोड़े टाइम बाद जब वो तुमसे खुद कहेगी कि हाँ मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तब. प्यार इतना भी मुश्किल नहीं होता अगर कुछ लोगों ने चालाकी और चतुराई दिखाना ना चालू किया होता तो. लाइक कैसे कोई प्लान करके रिलेशनशिप शुरू करता है एंड जब तक मन है, रिश्ता है, फिर सब ख़त्म. पर कोई ना, करने दो चतुराइयाँ उनको, हम भी अपना विवेक का इस्तेमाल करेंगे और इन धोखेबाजों के झांसे में नहीं आएंगे. आई डोंट नो व्हाई आई एम बिकमिंग ड्रामेटिक डे बाय डे, पर प्यार का इंजेक्शन लगवाने से पहले संपूर्ण जानकारी ले लें. एंड इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ कि कैसा लगा, और प्लीज़ अपनी प्रॉब्लम नहीं कन्फेशन भेजो, बिकॉज सॉल्यूशन सीरीज़ बंद हो चुके हैं. कन्फेशन सीरीज़ शुरू होंगे तभी जब आपकी कन्फेशंस मुझ तक पहुँचेंगे, एंड क्या बताऊँ, उन कन्फेशंस में ही कुछ ना कुछ आपको सॉल्यूशन मिल जाए नीचे कमेंट सेक्शन में. तो या
सब्सक्राइब करो इफ यू हैवेंट और बेल आइकन प्रेस करो टू गेट नोटिफिकेशन ऑन एवरी वेंसडे सैटरडे एंड संडे. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. लव यू ऑल.